दोस्तों बिहार बोर्ड के द्वारा सेकेंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस का दोस्तों यहां पे जो है एग्ज़ाम करा लिया गया है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल 100 ऑब्जेक्टिव का आंसर की। तो फ्रेंड्स यहां पे क्वेश्चन नंबर एक कहता है भारतीय योजना आयोग दोस्तों यहां पे कब समाप्त करा लिया गया था। तो इसका सही उत्तर देखो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2014 ईस्वी। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दो कहता है दोस्तों यहाँ पर मैक मोहन रेखा कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ पे देखा कहता है क्वेश्चन नंबर तीन में देश में दोस्तों यहाँ पे जो है आंतरिक गड़बड़ी के कारण दोस्तों यहाँ पे संकट स्थिति जो है उत्पन्न कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर तीन का 1973 ईस्वी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पे वीडियो को पूरा देखते चलिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चार कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चार का जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दोस्तों जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के दोस्तों यहां पे आपका जो है निजीकरण आयोग कब बना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर पांच का दोस्तों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1952 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर छह में कहता है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर छह का दोस्तों यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर छह का सही उत्तर हो जाएगा जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन यहां पर दिया गया है। उससे पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर सात कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सात सभी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं यानी कि दोस्तों आपका नन ऑफ दिस जो कि यहां पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। तो सॉरी फ्रेंड्स यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1 दिसंबर जो कि दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पर आठ कहता है सर्वप्रथम किस राज्य में दोस्तों यहाँ पे महिलाओं को जो है पंचायतों में दोस्तों यहाँ पे जो है ज़्यादा आरक्षण दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आठ का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार में। क्वेश्चन नंबर नौ कहता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो है देखिए ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोवियत संघ, यानी कि दोस्तों आपका जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर दस कहता है प्रथम दोस्तों यहाँ पर गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी आप सभी को पढ़ाया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों इसका अब्दुल जो कि दोस्तों यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किसने कहा कि राजनीतिक पुरुषों का अभिकृत जो है यहाँ पे विभाजन है। दोस्तों किसी संबंध में यहाँ पे जो है आपका समाज में मध्यकारी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर आपका जो कि दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बी यानी कि डेविड ईस्टन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यहाँ पर देखिए ग्राम दोस्तों यहाँ पर जो है प्राचीन युग में यहाँ पर दोस्तों जो है राज्य का क्या रूप था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किस दोस्तों यहाँ पे जो है सत्ता का यहाँ पे जो है सिद्धांतवादी दोस्तों माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आस्तु। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों यहाँ पे जो है पॉलिटिक्ट दोस्तों यहाँ पे जो है नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों आस्तु। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसने कहा कि मुझे जो है स्वतंत्रता ही नहीं मुझे दोस्तों यहाँ पे जो है मार दो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए जो कि दोस्तों यहाँ पे आपका सी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किसने कहा कि संयुक्त क्रम में दोस्तों स्वतंत्र किंतु हम जो है यहाँ पे आपका पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का दोस्तों देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों आपका जो है रूसो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा एंड मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन से जो है दोस्तों यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधारा के संबंधित नहीं है, विचारधारा संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 18 कहता है देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका दोस्तों लास्की हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया मौलिक दोस्तों यहाँ पे जो है आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इसका अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है यानी कि सामाजिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो है 20 कहता है कि सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे क्रांतिकारी समाज में ही दोस्तों यहाँ पे जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विकेंद्रीकरण किस शासन की दोस्तों यहाँ पे विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों संघात्मक शासन।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे भारतीय संविधान की सूची का जो है केंद्र और राज्य दोनों ही विभक्तियों में कानून बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला कहता है, यहाँ पे दोस्तों दक्षेस का सम्मेलन किस देश में हुआ था, यानी कि कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 24 कहता है, देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 को, तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए, देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को, 25 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा समय आप सभी कर लूँगा नहीं दोस्तों, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और आंसर भी आप सभी को दिखा रहा हूँ, तो देखते चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पढ़ने का समय नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों केमिस्ट्री का भी पेपर जो है जल्दी ही आप सभी का यहाँ पे आएगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे ज्योग्राफी का जल्दी ही आएगा। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 26 जो दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 27 देख लीजिए क्या कहता है, तो किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों यहाँ पे जो है आपका कार्यक्रम को विशेष स्थापन दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संविधान .NET बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर तक आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, किसी भी बोर्ड का हो, IIT, JEE, मेंस एंड एडवांस नीट 6ठी से 12वीं तक का सवाल हो, सभी सवाल का जवाब मिलेगा .NET ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा .NET ऐप पर। क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडिया में लाइव क्लासेस चल रही है .NET एप्लीकेशन पे, यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी .NET ऐप पर, 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे .NET पढ़ रहे हैं, तो जाइए इंस्टॉल कीजिए आप भी .NET ऐप को। संशोधन के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो है आपका संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 29 देख लीजिए, कहता है अनुसूचित जाति संघ को यह स्थापना किसने किया, तो किसने किया था, तो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो थे यहाँ पे किए थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 30 कहता है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 जो है यहाँ पे क्या कहता है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फ्रेंड्स यहाँ पे देखे क्वेश्चन मेरे पास जो है आउट नहीं हुआ दोस्तों यहाँ पे नहीं आ पाया था व्हाट्सएप के थ्रू, ऐसे में दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसे देख लीजिए, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएगा दोस्तों उसका जो है मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, या सेकेंड पार्ट भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है परिषद अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, तो उसका भी दोस्तों आंसर मैंने दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 43 भी मिला लीजिएगा, यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 243, यानी कि 243 जो है यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए 44 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है बैठक में राष्ट्रपति के लिए दोस्तों यहाँ पे कितने जो है सदस्य का उपस्थित किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर डी का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 45 देख लीजिए, 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोस्तों बी यहाँ पे दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 46 देख लीजिए, कहता है मौलिक अधिकार का आपका जो है अधिकतम कौन है, तो आपका दोस्तों उसका आंसर मैंने दिखा दिया है। फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 को यहाँ पे देख लेते हैं, कहता है कुछ न्यायालय के न्यायाधीश की आपका दोस्तों यहाँ पे जो है स्कृति लागू क्या है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 वर्ष जो है यहाँ पे कम से कम दोस्तों यहाँ पे चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए 49 को देख लेते हैं, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए 50 का नहीं पता था आंसर दोस्तों, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 वर्ष। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52 को देख लीजिए, यहाँ पे कहता है फ्रेंड्स 52 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों का हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 55 कहता है विधान परिषद सदस्यों का यहाँ पे जो है आपका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 5। क्वेश्चन नंबर 56 का दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका जा करके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्या, तो इसका दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन को देखते चलिएगा और आंसर को देखते चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए 58 कहता है, निम्न में से कौन सा जो है आपका सूत्री का एक नियम है, तो ये विषय है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सही हो जाएगा, सूची का विषय है। तो इसका दोस्तों मैंने आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सी सही है, यानी कि न्याय सही है।